एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आरिषि राज व्लॉग्स। तो दोस्तों आज है शाम का अर्घ, छठ का तीसरा दिन, और हम सभी लोग निकल रहे हैं छठ घाट के लिए, जहाँ पे हम सूर्य देव को अर्घ देंगे। दौरा पे बोलो छठी मैया की जय, आशु बाबा की जय। दोस्तों तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड निकल चुके हैं छठी माता का आवाहन करते हुए, छठी माता का जय जयकार करते हुए। अब हम सभी लोग तैयार हो चुके हैं और नीचे हमारा ऑटो आ चुका है। गांव घर में तो ऐसा होता है, बिहार में आपको नदी पोखर और स्पेशली गंगा जी मिल ही जाते हैं, वहाँ पे सारे ही गाँव घर के लोग साथ में मिल के चलते दोस्तों, हैं। गाँव में छठ मनाने का जो रौनक होता है, जो उत्साह होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ये जितने भी बिहार, यूपी, झारखंड के लोग हैं, वो आपको मतलब इस वीडियो के दौरान भी पता चल जाएगा। अगर आप गांव का कोई भी छठ पूजा का वीडियो देखते हैं तो आपको इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, इतना ज़्यादा, मतलब कि गंगा जी में हर तरफ पूजा ही पूजा होता है। और इस त्यौहार का मतलब हम साल भर से इंतज़ार करते हैं, और क्योंकि हमारा यहाँ पे सिटी में जो हमारा घाट है थोड़े दूर में है, तो हम यहाँ ऑटो या फिर कुछ व्हीकल करके जाने वाले हैं। यहाँ पे मेरे भाई और हस्बैंड पहले निकल चुके हैं। घाट पे आ चुके हैं और यहाँ पे टॉयलेट का भी फैसिलिटी लगाया है यहाँ पे घाट वालों ने। दोस्तों घाट पहुंच चुके हैं हम लोग, और घाट पहुंचने के बाद में घाट में जो रौनक है, एकदम हूबहू बिहार की जो याद आ रही है हमें, ऐसा लग नहीं रहा है कि हम गंगा माता के पास नहीं गए और हम नदी किनारे पूजा उपासना नहीं कर रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। इस जगह पहुंचते ही ऐसा लग रहा था छठ माता की कृपा से कि हम लोग फिर से ही अपने गांव घर में आ चुके हैं, और उसी तरीके से पूजा पाठ हो रहा है। बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं मान रहे थे दोस्तों, इतने पटाखे फोड़ रहे थे कि मत पूछिए। सेलिब्रेशंस तो बनता ही है छठ पूजा है तो, और थोड़ी ही देर में हम लोग अपने जो अलॉटेड प्लेस है वहाँ पे पहुँचे। जो डेकोरेशन किया था इन्होंने यहाँ पे जो संस्थान वाले हैं, बहुत अच्छे से किया था। दोस्तों नाक पर से सिंदूर महिलाओं के पति के लिए लंबी आयु का प्रमाण है। हमारे बिहार, झारखंड, यूपी में नाक पर से सिंदूर लगाना शुद्ध माना गया है, और इससे जो महिलाएं की जो सुंदरता है वो और भी निखर जाती है। दोस्तों आप कहां से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और आप भी छठ पूजा को मिस कर रहे हैं, या फिर आपने भी कभी छठ पूजा अटेंड किया है, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन कीजिए। तो मैरिज के बाद जो मेरा पहला छठ पूजा था, उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, आरुषि मेरे पेट में थी। जब ये छठ पूजा आया है तो ये मेरा सेकेंड छठ पूजा है मैरिज के बाद का। पहले छठ पूजा में मेरी बड़ी दीदी आई थी और वही सब कुछ पूरा कर रही थी छठ पूजा का, जैसे कि सूप सुपती देना, और जो परवैती होती है जैसे कि मम्मी जो भी व्रत करती हैं, तो वो मतलब नदी में खड़ा होके या फिर गंगा जी में खड़ा होकर
जल में खड़े होकर जो भी शुभ सुक्ति है उसे अपने हाथों में लेती है। उससे पहले आपको सिंदूर अक्षत फूल का जो है टीका करना होता है। उसके बाद में जो आप शुभ सुक्ति है या जो भी, मतलब हर एक लोग जो अलग अलग रखते हैं शुभ सुक्ति, और उसे रख के फिर मम्मी है जो परिक्रमा जल में लगाती है, और फिर हम लोग उसी सूप के आगे सूर्य देव को अर्घ देते हैं। तो दोस्तों ये भैया और मम्मी बता रहे थे कैसे कैसे करना है छठ पूजा में। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था मुझे, और अपने रिचुअल्स को करने में जो सुकून मिलता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लहंगा बचा के उपलेट ला, देख के दुपट्टा मैं उसको लेके जा रही हूँ ऊपर। तुम नहीं नीचे चलो, हाथ भी कहा जाओ बस अब चावल और फूल डाल दो।
दोस्तों यहीं पे शाम का अर्घ खत्म होता है और पूजा बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हो गया है लास्ट में। अब क्योंकि बहुत दिनों से मम्मी फास्ट में थी और मम्मी को एकदम चला नहीं जा रहा था, बड़ी ही मुश्किल से भैया ने पकड़ के मम्मी को ऊपर किया। ऑब्वियसली इतना पटाखे उड़ा रहे थे, बहुत सारे पटाखे पानी में भी आ जा रहे थे, तो मम्मा को धीरे धीरे ऊपर करके उन्हें थोड़ी देर बिठाया क्योंकि फास्ट में है और पानी में भी एक घंटे से मम्मी खड़ी थी, तो अब जाके मम्मी को थोड़ा रिलैक्स लग रहा था। फ्रेंड्स वीडियो बनाना जितना ही इजी लगता है या फिर किसी भी व्लॉग को देखना, किसी के व्लॉग को देखना जितना इजी लगता है और लगता है सिर्फ वीडियो ही तो रिकॉर्ड करना है और मेमोरीज़ को रखना है, बट मैं आपको बता दूँ ये छठ पूजा होके ये 2023 का है और मुझे अभी एडिट करते करते मतलब कि इसमें मैं फ्रीक्वेंट नहीं हूँ, मैं भी एक न्यू यूज़र हूँ और पर मैं भी चाहती हूँ कि मेरे मेमोरीज़ में जब चाहूँ जब देख सकूँ। और अभी ये मंथ जुलाई रनिंग है 2024 का और 3 से 4 महीने में नेक्स्ट छठ पूजा आने वाला है, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो को एडिट करने में, बनाने में। शूट करना भी बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि उस समय आप एक काम कर रहे होते हो और वो उस काम को भी टाइम पे करना है और साथ ही साथ आपको वीडियो भी शूट करना होता है। दोस्तों आप जो ये वीडियो में देख रहे हैं रेड कलर का जो अनारकली पहनी हुई है, ये मेरी नेहा दीदी है जो मेरी नेबर है, और हालांकि वो हमारे स्टेट से है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हम एक परिवार से नहीं हैं, एकदम उनकी जो भी फीलिंग्स आती है मेरी बड़ी दीदी की तरह है और उनके साथ जितनी भी यादें हैं और जब भी हम लोग फेस्टिवल वगैरह करते थे तो वो मतलब हमेशा हमारे साथ आती थी, तो मैं ज़रूर से नेहा दीदी को मिस करूँगी। और आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो, जब भी मैं ये वीडियो देखूँगी तो डेफिनेटली मैं आपको याद करूँगी, मैं क्या हम सभी लोग आपको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। ए मम्मी बहुत टिक्का लगा दे इधर तो देखो राजा बाबू टिक्का लगवा लीजिए, तो बहुत लगवा दीजिए डिश दोस्तों छठ पूजा है तो किसी शादी और त्यौहार से कम तो नहीं होगा। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची और उसकी मम्मी फुलझड़ियाँ जला रहे थे, ये खुशी की बात तो है ही। छठ पूजा में बहुत एक्साइटमेंट होता है, घाट का ये नज़ारा आंखों से अभी तक ओझल नहीं होता है, इतना ज़्यादा सुकून मिलता है देखने के बाद में, बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम घाट छोड़ के जाएँ। जितने भी हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे सभी लोग छठ पूजा में फेस्टिवल जो है उसमें आते हैं, बहुत ही ज़्यादा समय हो चुका है कि हम वापस घर की ओर बढ़ें क्योंकि बहुत सारे काम पेंडिंग है, फिर हमें फिर से जितने भी सूप दौरे हैं सबको बदलना है और सुबह हम फिर से घाट पे आएंगे सूर्य देव के उगने से पहले और फिर से जल में मम्मी खड़ी होकर उनका प्रार्थना करेगी, उनका आवाहन करेगी कि वो जल्द से जल्द सूर्यदेव बाहर निकले, जैसे वो जितने ही तेज प्रकाश से बाहर निकलते हैं उसी ऊर्जा से हमारी ज़िंदगी को भी अपने लालिमा से भर दें। और यहाँ पे आरुषि के पापा निकल गए हैं दौरा लेके, ये एक बहुत सौभाग्य की बात होती है जब हम छठ पूजा में जाते हैं और ये सब सेवा करने को मिलता है। और घाट छोड़ के तो बिल्कुल भी जाने का मन नहीं हो रहा था, लेकिन हाँ इसी उत्साह से हम जा रहे थे कि सुबह हम फिर आएंगे और यही घाट का नज़ारा हम फिर से देखेंगे। और दोस्तों अब हम निकल चुके हैं, हम पार्किंग के ओर आ चुके हैं और बस थोड़ी ही देर में हम घर पहुंचने वाले हैं। दोस्तों हम घर की ओर पहुंच चुके हैं और अब यहाँ पे मैं थोड़े अपने वीडियोस और रील्स बना रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा शाई हैं, बहुत उनको मतलब कैमरा फेस करने में उन्हें बहुत अजीब लगता है,
बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, पर ये लुक मैंने मीशो से क्रिएट किया है जो भी शॉपिंग किया है। तो अभी सुबह के 4 बज चुके हैं, आरुषि भी रेडी है और अभी वो वॉक कर रही है। दिशु, म्याऊ म्याऊ, कहाँ जा रहे हो? दिशु दा देखो गिर जाएगी। तो दोस्तों सुबह का बज रहा है 4:30। देखो 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 नानी के साथ बैठ रही है दिशु। थैला ले लेना प्लीज। हाँ मैं थैला ले लूँगी। एक नई सुबह और एक नई आस के साथ हम फिर से घाट के ओर पहुंच चुके हैं। तुरंत ही हम घाट के ओर पहुंच चुके थे और घाट पहुंचते ही इतना ज़्यादा सुंदर नज़ारा था, बहुत सारे पटाखे फूट रहे थे। बहुआ आंटी का, आंटी बहुआ का, आंटी ले ले। दिशु दिशु दिशु
सूप को पकड़ोगे ना तो इस तरह हो जाएगा। दोस्तों सुबह सुबह का टाइम था और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम ये सब कुछ कर रही हूँ अभी, तो मुझे बगल वाली आंटी ने बोला कि अब जिस तरफ से सूर्यदेव उगेंगे उस तरफ से जो सूप है और जो दिया का मुंह है उस तरफ से रखो। दिया तो हमने सही से रखा था और सूप में मैं जल्दबाजी में गड़बड़ हो ही जाती है, तो फिर उन्होंने मुझे ठीक कराया, तो फिर मैंने फिर से वापस उस अच्छे तरीके से रखा। और हड़बड़ हड़बड़ में हम लोग सुबह बहुत जल्दी से आ चुके थे और जो केला का घौर होता है, मतलब जो केला बड़ा सा होता है जिसमें पूरे केले रहते हैं, वो घौर भी हम लोग चढ़ाते हैं। मम्मी घौर भी चढ़ाती और भूल गए थे, लेकिन समय बाकी था तो भैया फिर से घर गए और फिर से जो केला का घौर है वापस लेके जल्दी से घाट पे पहुँचे। ये सब फेस्टिवल में पता नहीं जितना भी हम ध्यान दें पर कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती है, पर समय रहते हुए छठ भगवान ने, छठ माता ने हमें याद दिला दिया कि वो बाकी है और हमें याद आ रहा था कि कुछ तो कुछ कमी है। सुबह के टाइम पे हम केला का घौर का भी अर्घ देते हैं पर शाम में नहीं, तो फिर भैया जल्दी से गए और यहाँ पे मम्मी वही बोल रही है कि केला का घौर तो लाया ही नहीं, तो फिर से हम भैया गए और जल्दी से लेकर वापस आए घाट पे। दोस्तों छठ पूजा की सुबह की जो घाट का नज़ारा है वो आप देख सकते हैं, इतना ज़्यादा उत्साह था लोगों में और हम सभी लोग मिलके, जो पर्वती थी वो तो इंतज़ार कर ही रही थी पर हम लोग भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे कि सूर्यदेव जल्दी से जल्दी उगे और फिर जितने भी पर्वती हैं अर्घ देंगे और पूजा उपासना करेंगे। और सुबह के टाइम पे वीडियो शूट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा था क्योंकि जितने भी लोग होते हैं, अगर आप उनको जानते हैं या फिर आप उन्हें नहीं जानते, जो भी हो, सभी लोग जो भी हैं, जितने भी पर्वती हैं, उनके आगे जो अर्घ है वो जल ढारते हैं, तो वीडियो लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन हाँ, जो छठ घाट का नज़ारा है वो आप भी यहाँ से विटनेस कर सकते हैं। इस दिन को जब भी जितने बार भी देखते हैं तो लगता है कि हम फिर से घाट की ओर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सूर्यदेव अच्छे से उग चुके हैं, आप देख सकते हैं कि एकदम सा उजाला हो चुका है। यहाँ पे हम लोग जो प्रसाद होता है, छोटा प्रसाद जैसे ठेकुआ केला और जो भी चढ़ाते हैं छठ पूजा में, वो भी जितने भी लोग होते हैं, मतलब जो भी पर्वती का पैर छूते हैं और अर्घ देते हैं, और ऐसे भी बहुत लोग प्रसाद मांगते हैं सुबह के टाइम पे, तो हम लोग प्रसाद देने में बिजी हो गए थे सुबह सुबह और हम लोग ने भी मांगा प्रसाद सभी से। और कहा जाता है कि जो पर्वती होती हैं उनका साड़ी धोना और वो एक बहुत ही महान सेवा होता है, तो वो सब करने में मैं बिज़ी हो गई, तो इसीलिए सुबह का व्लॉग मैं आपको डिटेल में नहीं दिखा सकती जैसे शाम में हो पाया था। सुबह आपको सभी लोग को लगता है जितना जल्दी हो सभी लोग अर्घ दें, और पर्वती होती है वो भी घर जाती है, घर में भी पूजा और कर पूजा करने के बाद में ही फिर वो अपना व्रत तोड़ती है। जय जय जय।
जय। दोस्तों घाट में पहुंचे हो और जल में जाने का मन ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो मुझे कल से ही बड़ा मन हो रहा था कि मैं भी जल के अंदर जाऊं और जो अंदर शिव जी की मूर्ति स्थापना के लिए वहां तक जाऊं, थोड़ा जल में घूमूं और जो अर्घ देना था। तो यहां पे सब कुछ हो चुका है, फाइनल प्रसाद वगैरह बट चुका है और हम लोग बस तैयारी कर रहे हैं जाने के लिए घर वापस। लेकिन उससे पहले हम लोग ने सोचा कुछ फोटोज़ वीडियोज़ वगैरह बना लेते हैं ताकि आगे भी देख सके और ब्लॉग में भी डाल सके। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ा मज़ा आ रहा था, सुबह के टाइम पे सभी लोग स्नान कर रहे थे जल के अंदर जाकर। तो हम लोग भी गए, मैं मेरी आंटी के साथ गई थी और हम लोगों ने भी बहुत इन्जॉय किया वहाँ पे सुबह सुबह। और यहाँ पे छोटे मोटे रील्स बना रही हूँ, ये रील्स मैंने पहले भी डाल चुके हैं। अभी वीडियो एडिट करने में मुझे इतना ज़्यादा समय लग गया है, इससे मुझे पता चल रहा है कि जितने भी व्लॉगर्स हैं, जितने भी लोग हैं, एक तो टाइम देना पड़ता है और पता है हर एक चीज़ टाइम पे हो उसके लिए मेहनत तो लगती है। दोस्तों यहाँ पे छठी मैया का आह्वान फिर से करते हैं, उनका जयकार लगाते हैं, बोलिए छठी मैया की जय और हम लोग घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग घर पहुंच रहे हैं, छठ पूजा खत्म हो गया है, है ना दिशु? ये तो अच्छे से नींद लेके, हाँ स्ट्रेट घर भी पहुंच गए हम। पापा पकड़ पकड़ दौरा पकड़ दौरा पकड़ पकड़ थोड़ा पकड़ के बीच में पकड़, वैसे पकड़ लेना है ना, पकड़े तो दौरा लेके घर पहुंच गए और छठी मैया अच्छा से छटपट दिशु। दोस्तों हम लोग घर पहुंच चुके हैं, घर पहुंचने के बाद में बहुत सारे काम रहते हैं, जैसे छठ पूजा खत्म हो गया उसके बाद में अपने जितने आस पड़ोस के लोग हैं उनको जो भी प्रसाद है प्रसाद बांटना है। मैं भी व्रत तोड़ने वाली थी तो उनके लिए भी जो प्रसाद बनना था वो भी बनाया हम लोगों ने सुबह सुबह। पसंद कर लो, थोड़ा आसान हो जाएगा हम लोग को। दोस्तों घाट से आने के बाद में हम सभी मिलके, जितने भी भाई बहन हैं हम सभी मिलके मम्मी का पैर धो रहे हैं। कहा जाता है कि जो परवैती होती है जो 3 दिन का व्रत रखती है उनकी सेवा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और हम लोग को ये सौभाग्य मिला। हर छठ पूजा में इस समय का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार रहता है। इसके साथ हमारा जो वीडियो है वो ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके और भी दो पार्ट हैं, अगर आपने नहीं देखे तो जाकर वो भी ब्लॉग देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।